कुछ रसूमात हमारे यहाँ बहुत रवाज पा गई हैं। शादी से कुछ हफ्ते पहले या उसके बाद तारीख मुकरर करने की जो रस्म होती है, फिर इसी तरह यह है कि वक्त भी जाया होता है, पैसों की भी नाकदरी, इबादात में कोताही, कोई पीला जोड़ा नहीं पहना। बाजू कहता था ना कि भूल के इंसान कोई ऐसी चीज पहले पहन लेता है, पूरी तरह इस रस्म को जो है वो खत्म करना है। फिर जहेज की नुमाइश, फिर इसी तरह यह है कि ठीक है अगर कुछ तफरी हो रही है या गाना बजाना हो रहा है तो उसमें डांस की तो कोई गुंजाइश नहीं निकलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में घुंघरू और घंटे हों उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, ना ही फरिश्ते उन लोगों के साथ रहते हैं जो घंटे इस्तेमाल करते हैं। अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो, यानी अल्लाह की रहमत को क्यों दूर करते हैं हम ऐसी चीजों से। आपने फरमाया इस उम्मत के लोगों पर जमीन में धंसाने, शक्ल मस होने और पत्थरों की बारिश बरसने का अजाब आएगा। मुसलमानों में से किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब होगा? आपने फरमाया जब गाने बजाने वाली औरतें जाहिर होंगी, आलात मौसीकी आम इस्तेमाल होंगे और शराबें पी जाएंगी। तिरमिजी की रिवायत है। फिर इसी तरह मेहंदी की तकरीब में एक दूसरे पर तंज, बुरा भला कहना, मजाक उड़ाना, ये भी इस्लामी तालीमात के बरक्स है। फिर इसी तरह मेहंदी के मौके पर खानों का एहतमाम जो है और उसमें खसूसी डेकोरेशन येलो कलर में, ये तो दुरुस्त नहीं, लेकिन मेहंदी लगाना दुरुस्त है। फिर इसी तरह यह है कि खानों में बहुत ज्यादा इसराफ होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते वला तुबद्दिर तबजीरा इन्नल मुबज्जिरीन कानू इखवान शयातीन वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुकरा है। यानी पैसे का जिया महज दिखावे में और इसराफ में, ये शैतान को खुश करने वाली बात है, रहमान को नहीं। शादी के मौके पर जैसे बारात और सेहरे का होता है, ये भी हमें सोचना चाहिए कि किसकी तकलीद है। निकाह के अरकान जो है, वली की मौजूदगी होनी चाहिए, गवाह हो, मेहर हो, खुतबा निकाह हो, इजाब कबूल हो और ऐलान निकाह हो, ये है असल शादी। वली की मौजूदगी क्यों जरूरी है, उसकी दलील क्या है, वो कुरान पाक में आती है। फिर उसके बाद वली में कौन कौन लोग शामिल हैं, फिर अगर किसी का वली ना हो तो वो क्या करे। नेक्स्ट, जबरदस्ती निकाह ना किया जाए। फिर निकाह में लड़की की रजामंदी जरूरी है, उससे पूछा जाए। फिर इसी तरह यह है कि अगर लड़की बोलती नहीं, खामोश रहती, तो ये खामोशी भी उसकी इजाजत है, लेकिन रजामंदी के बगैर निकाह दुरुस्त नहीं। औरत को खुद निकाह करने की इजाजत नहीं है अपना। फिर मेहर है, मेहर का दलील क्या है, फिर मेहर की मकदार कितनी है। इसमें हम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिसाल देखते हैं कि उन्होंने सोने की गुटली के वजन पर औरत से शादी की। आपने फरमाया मुबारक हो, वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही क्यों ना। अजवाज मुतहरात के मेहर जो थे, हजरत आयशा ने फरमाया कि 12 ओकिया और एक नश। फिर हजरत आयशा ने पूछा नश जानते हो क्या है, अबू सलमा ने कहा नहीं। हजरत आयशा ने फरमाया निसफ ओकिया और ये 12.5 ओकिया 500 दिरहम बनता है। यानी 500 दिरहम अजवाज मुतहरात का मेहर था, जो अच्छी रकम है। और हजरत उम्मे हबीबा का मेहर जो था वो 4000 था, 4000 दिरहम। कबूल इस्लाम को मेहर करार दिया गया हजरत उम्मे सुलैम की तरफ से। बेहतरीन निकाह वो है जो आसान हो। हमारे यहाँ जो 32.5 रुपए हक के मेहर, इसकी कोई हकीकत नहीं। फिर इसी तरह गवाहों का मौजूद होना, गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। आपने फरमाया जो औरत ऐसा करती है वो जिना करती है। आपने फरमाया हलाल और हराम के दरमियान फर्क करने वाली चीज दफ है, यानी ऐलान निकाह है। फिर औरत जब घर आए तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। फिर दावत वलीमा है, और ये दावत भी अपनी हैसियत के मुताबिक करनी चाहिए, और इसमें भी इसराफ और दिखावा नहीं होना चाहिए। एक मौके पर आपने जौ पकाकर किसी जगह पर खजूर और मुनक्कर खुशगवार पानी कहीं खाना, यानी मुख्तलिफ तरीका से वलीमे की दावत की गई। आपने फरमाया वलीमे का खाना बुरा खाना, वो खाना बुरा है जिसमें खुशहाल और दौलतमंद लोगों को बुलाया जाए और फकरा को छोड़ दिया जाए। ये हमारे यहाँ आमतौर पर शादी का जो खर्चा होता है उसकी थोड़ी सी, मसलन 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो लोग खर्च करते हैं एक आम शादी पर, और इसके मुकाबले में आप देखें कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो लोग महज अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और दर हकीकत ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना रोजे आखिरत पर, सच यह है कि शैतान जिसका रफीक हुआ उसे बहुत ही बुरी रफाकत मैसर आई। यानी दिखावे के लिए इतनी इतनी रकमें उड़ाना जो है ये सरासर गैर इस्लामी है। कहे कि शादी होने से पहले या शादी के दिन या शादी के बाद कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया जाता नाराज होने का, या कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है एक दूसरे को सताने का या परेशान करने का। असल हकीकी खुशी और सुकून और राहत और आराम किस में है? माल और दौलत के दिखावे या इसराफ और लिबास और इन चीजों में नहीं है। असल खुशी यह है कि इंसानियत का एहतराम हो, एक दूसरे की इज्जत की जाए, एक दूसरे को उसका मकाम दिया जाए, एक दूसरे की कदर पहचानी जाए। शादी के बाद यह है कि दोनों का ताल्लुक क्या है। हुन लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुन, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो। इस सिलसिले में जो खास नसीहत मैंने मरियम को रुखसी के वक्त की वो क्या थी कि मरियम तुम एक नए घर में जा रही हो, लेकिन याद रखना ये आरजी घर है,
इससे आगे एक पायदार घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस जिंदगी की खुशियों में और इस जिंदगी के सुकून में जाकर तुम अपनी आखिरत को नहीं भूलना। मैं तुम्हें इस मौके पर भी यही नसीहत करूंगी कि वहां जाकर भी आखिरत के घर की तैयारी जारी रखनी है, और इसमें सबसे पहले यह कि आखिरत की तैयारी हुकूकुल इबाद को अदा करके होती है। इबादात तो अपनी जगह,